वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं अनिलेश कुशवाहा और हम पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस चैप्टर में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड फर्टिलाइजेशन इवेंट को कम्प्लीटली समझा है। ओके, प्रीवियस के लेक्चर में हमने डबल फर्टिलाइजेशन को समझा था, जिसमें हमने देखा था कि डबल फर्टिलाइजेशन में एक जो मेल गैमेट होता है वह क्या, एक सेल से मिलने के बाद क्या बना रहा था, वहां पर आपका जायगोट बना रहा था, ठीक है। एंड जो दूसरा मेल गैमेट था वह, ठीक है, आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलने के बाद आपका किसका, आपका वहां पर एंडोस्पर्म का, या हम कहें पेन का फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है, या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है। एंडोस्पर्म तो बाद में बनेगा। ओके, तो रिजल्ट हमको यहां पर क्या मिल रहा है डबल फर्टिलाइजेशन का, एक हो गया आपका जायगोट और दूसरा हो गया आपका पेन, ठीक है। तो वहीं से हम इसको, ठीक है, स्टार्ट करेंगे और आज हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को समझेंगे। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, मेनली क्या है यहाँ पर कि जैसे देखिए, किसी एक एम्ब्रियो सैक में पेन और जायगोट तो बन गए, ठीक है। अब इनके बनने के बाद जो जायगोट है ना, वह एकदम से, ऐसा आप नहीं सोचेंगे कि बिल्कुल एकदम से वह डेवलप्ड होने लगे, ठीक है, और डेवलप्ड होना बिल्कुल स्टार्ट कर दे और एम्ब्रियो सैक बना दे, ऐसा नहीं होता। देखिए, जायगोट क्या करता है कि जायगोट बनने के बाद एक टाइम के लिए रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है, ठीक है, या एक टाइम के लिए डिवाइड होना बंद कर देता है। अब क्यों करता है, देखिए, वह यह कहता है कि मैं डिवाइड अभी नहीं करने वाला, ठीक है। वह डिवाइड कब करेगा, जब जो पेन है, पेन क्या कर ले, वह डिवाइड हो जाए, ठीक है, अपने सेल्स का नंबर बढ़ा ले, ठीक है, फूड स्टोर कर ले, उसके बाद जब मैं मतलब कौन, जायगोट, तो जब मैं जायगोट, ठीक है, वहां पर जब इम्ब्रियो को बनाऊंगा तब उस पेन के द्वारा, ठीक है, उस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के द्वारा बनाए हुए फूड को यूज करूंगा, ठीक है, कंज्यूम करूंगा, इसलिए वह कुछ टाइम के लिए डेवलप नहीं होता, ठीक है, डेवलपमेंट अपना कुछ टाइम के लिए रोक देता है, रेस्टिंग पीरियड में चले जाता है, ठीक है। अब ऐसा समझ सकते हैं कि देखिए, मान लीजिए आपको, ठीक है, आप ही को किसी ने अपने यहाँ रिसेप्शन पर शाम को बुलाया, ठीक है, 8 बजे का टाइम दिया आपको, ठीक। अब आप वहां बिल्कुल 5 बजे से पहुंच गए, ठीक है, और आपने देखा वहां पर तो अभी कोई भी तैयारी नहीं हुई है, ठीक है, आप तो बिल्कुल खाना खाने वहां पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो देखिए, वहां पर क्या है, एक टाइम था 8 बजे का, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या था कि जायगोट का डेवलप होने का या डेवलपमेंट का एक टाइम होता है, ठीक है, उसके बाद ही वह डेवलप होता है, और वह टाइम कब होगा, जब पेन जो है कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा, फूड स्टोर कर लेगा, ठीक है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेगा, तब फिर, ठीक है, यहाँ पर जो जायगोट है मतलब वह बाद में डेवलप होके इम्ब्रियो बनाता है, ठीक है, इसी को आपको समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हम एंडोस्पर्म को एंड जो 3 टाइप्स के एंडोस्पर्म होते हैं उनको आज हम समझते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू स्टोर फूड मटेरियल लाइक प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए, सबसे पहले क्या कि जो एंडोस्पर्म होता है वह क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। इसका क्या मतलब है, देखिए, इसका मतलब यह है यहाँ पर कि यह क्या करता है, डेवलपिंग इम्ब्रियो को आपका फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो फूड प्रोवाइड करने के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिटिव टिश्यू कहते हैं। ओके, और इसमें मेनली क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर हम देखें तो प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, किसमें, आपके एंडोस्पर्म में, ठीक है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, तो न्यूट्रिशन में मेनली कौन कौन हो गया, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। हालांकि और आप देखेंगे जैसे कोकोनट वगैरह, तो आपको वहां पे विटामिन वगैरह भी देखने को मिलेंगे, बट मेनली हम इन जनरल यहाँ पर ले लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या कि एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग इम्ब्रियो प्रेजेंट इन शीड। हमने यही बात की कि देखिए होता क्या है कि जैसे आप यहां पर देखिए, यहां पर आप फोकस कीजिए कि एक जो सीड होता है उस सीड में मेनली क्या होगा, देखिए, इम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, ठीक है, इम्ब्रियो होगा, और इस इम्ब्रियो को जब यह, मतलब देखिए, इस यह इम्ब्रियो होगा और इस डेवलपिंग इम्ब्रियो को जो फूड प्रोवाइड करने का काम करेगा, या हम कहें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम जो करेगा, वह कौन होगा, इंडोस्पर्म होगा, ठीक है। तो किसी सीड में जायगोट से जब इंडोस्पर्म बनता है, ठीक है, तो उस टाइम पर उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि देखिए जब इम्ब्रियो जब वहां पर फॉर्मेशन होता है ना इम्ब्रियो का, तो उस टाइम पर उसको काफी मात्रा में न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन होते रहता है, ठीक है,
माइटोटिक डिवीजन होते रहता है, फर्दर सेल्स की संख्या काफी बढ़ती रहती है, तो वहां पर उसको न्यूट्रिशन जरूरी है वहां पर, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन वहां पर इंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इन जनरल आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया इंडोस्पर्म, ओके। अब अगर एक चीज हम देखें कि जो सीड होते हैं ना, सीड मेनली क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ठीक। तो वहां पर जो फर्स्ट सीड होगा उसको हम कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप का सीड होगा उसको हम कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब देखिए नॉन एंडोस्पर्मिक सीड किसको कहेंगे, चलिए समझते हैं, ठीक है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब यह हो जाएगा कि देखिए होता क्या है कि जब जायगोट से इम्ब्रियो बनता है, या हम कहें कि जब इम्ब्रियो डेवलप करता है, या जायगोट जब डेवलप करता है, तो उसके डेवलपमेंट के टाइम में, ठीक है, एक इम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम में होता क्या है कि कुछ केसेस में, कुछ सीड्स में जो एंडोस्पर्म है वो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, या हम ऐसा कहें कि जो इम्ब्रियो है वह उस एंडोस्पर्म को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे सीड्स में क्या होता है कि वहां पर किसी भी प्रकार का एंडोस्पर्म नहीं बचता, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखें पी में, ठीक है, बीन्स में, ग्राउंड नट में, इनमें क्या होता है मेनली इस टाइप के सीड में जो सीड होगा उसमें एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया जाता है, किसके द्वारा, इम्ब्रियो के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे सीड्स को हम क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे, या फिर हम इसको नॉन एल्ब्यूमिनस सीड भी कह सकते हैं, ठीक है, या एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है, सीड भी कह सकते हैं, तीनों एक ही चीज है, ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए क्या, इंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। तो इंडोस्पर्मिक सीड का क्या मतलब, मतलब जिसमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम में पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से एंडोस्पर्म को कंज्यूम ना किया गया हो, ठीक है। तो ऐसे सीड्स को हम क्या कहेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कोकोनट, वीट एंड कस्टर, ठीक है, कोकोनट, वीट एंड कस्टर, इसमें आप, ठीक है, आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। जैसे कोकोनट में भी हम देखेंगे कुछ टाइम बाद, ठीक है, कि कोकोनट में आप देखेंगे जो उसका लिक्विड होता है ना, या नारियल पानी जो होता है, और उसका जो, ठीक है, जो व्हाइट वाला जो भाग होता है, ठीक है, वह दोनों भी क्या है, एंडोस्पर्म ही है, ठीक है, बट एक लिक्विड है, सॉलिड है, अभी समझेंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कि इन द जिम्नोस्पर्म, ठीक है, अब देखिए क्या कि जिम्नोस्पर्म के केस में इंडोस्पर्म इज फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, हेंस द हैप्लॉइड। अब आपने देखा होगा कि देखिए अभी हम जो ये इंडोस्पर्म पढ़ रहे हैं ये हम एंजियोस्पर्म का पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एंडोस्पर्म पढ़ रहे हैं, बट जिम्नोस्पर्म के केस में कुछ अलग कंडीशन होती है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है ना वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है, और बिफोर फर्टिलाइजेशन बनने के कारण वह हैप्लॉइड होता है, ठीक है। बिफोर फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म बनने के कारण, ठीक है, बिफोर फर्टिलाइजेशन बनने के कारण वह हैप्लॉइड होता है, जबकि हमको पता है कि एंजियोस्पर्म के केस में जो एंडोस्पर्म होता है वह कैसा होता है, 3N टाइप का होता है, को पता है ना, क्योंकि एक जो मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिला था, ठीक है, मेल गैमेट क्या था, एन था, ठीक है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या था, ठीक है, डिप्लॉयड टाइप का था, तो 3N वाली कंडीशन बनी थी, ठीक है, यहां पर पेन बना था ना, तो ये क्या था, ट्रिप्लॉयड होती है, किसमें डिप्लॉयड, किसमें होगी, एंजियोस्पर्म में, एंड जिम्नोस्पर्म में क्या होती है, हैप्लॉयड होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको इसको याद रखना है, ये वाला जो लाइन हो गया, ठीक है, आपके नीट एंड एम्स के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए, ठीक है, अब हम इनके टाइप्स पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मेनली हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एंडोस्पर्म होता है वह मेनली 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। फर्स्ट यदि हम देखें तो फर्स्ट होगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, फर्स्ट होगा आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। सेकेंड अगर हम देखें तो यह होगा सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है, और थर्ड जो होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेलोबियल एंडोस्पर्म, या हम इसको कहते हैं इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और क्यों है वो भी हम अभी देखेंगे, ओके। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं क्या, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं, क्लियर है ना। चलिए मोस्ट कॉमन टाइप, अब देखिए क्या कि जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है यह मोस्ट कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म है, मतलब क्या कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनमें इसी टाइप का एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, ठीक है। तो लिखा भी ये देखिए कि प्रेजेंट इन 56% ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिली, ठीक है, तो एंजियोस्पर्मिक फैमिली में 56% ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिली में किस टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, तो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वहां पर प्रेजेंट होता है।
ओके और भी क्या चीजें देखते हैं, चलिए कि अब देखिए कि इसमें किस टाइप से इसमें डेवलपमेंट वगैरह होता है, ठीक है। एक जायगोट से एम्ब्रियो का उसको समझते हैं कि सॉरी एक पेन से किसका आपका जो पेन है वो एंडोस्पर्म कैसे बनाता है इसको हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिंगल कंडीशन है ना, चलिए अभी समझ जाइए, ठीक है। फर्स्ट एंड फर्दर डिविजन आर नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब इसका क्या मतलब, देखिए इसको डायग्राम से समझिए। इसमें होता क्या है कि देखिए ये वाला कंडीशन आपको डबल फर्टिलाइजेशन में देखने को मिला था, ठीक है, कि डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट के बाद हमको क्या दिखा था वहां पे कि एक था वहां पर क्या पेन और दूसरी चीज क्या थी जायगोट, ठीक है, जायगोट थी एंड क्या थी वहां पर पेन थी। तो पेन देखिए क्या है, ये पेन हो गया और ये क्या हो गया आपका जायगोट हो गया। और यहाँ पर क्या लिखा है कि फर्स्ट एंड फर्दर डिविजन आर नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब ये है कि फर्स्ट एंड जो फर्दर डिविजन है मतलब जो स्टार्ट में जो डिविजन होगा एंड उसके बाद जो डिविजन होगा उसमें कुछ डिविजन होते तक मतलब दो तीन बार ऐसे डिविजन होने तक जैसे 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिविजन है फर्स्ट डिविजन एंड फर्दर डिविजन इसमें कहीं पर भी साइटोकाइनेसिस नहीं होता। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या, देखिए साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है कि वॉल फॉर्मेशन, ठीक है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं साइटोकाइनेसिस। एंड कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस वहां पर डिविजन होता है, ठीक है, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस बना लिया डिवाइड होकर इसको हम क्या कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। एंड साइटोकाइनेसिस क्या, उसमें वॉल का भी फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट एंड फर्दर डिविजन आर नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग में किसी भी प्रकार का सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होता, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये 3N टाइप का है ना पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें क्या हुआ देखिए डिविजन हुआ है और यह जो डिविजन है ओनली क्या है न्यूक्लियस डिविजन हुआ है यहाँ पर, ठीक है, या फिर हम ऐसा कहें कि देखिए फ्री न्यूक्लियस डिविजन हुआ है, ठीक है, फ्री न्यूक्लियस डिविजन यहाँ पर हुआ है, ठीक है, फ्री न्यूक्लियस डिविजन हुआ तो एक जो न्यूक्लियस है वो फर्दर कई सारे, ठीक है, न्यूक्लियस में देखिए डिवाइड हो गया ना, ओके। सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द एम्ब्रियो सैक टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, इसको हम कहेंगे सेंट्रिपिटल वॉल फॉर्मेशन। समझ आया नहीं आया, अभी हमने समझाया ही क्या, चलिए समझते हैं। देखिए होता क्या है यहाँ पर कि मेनली देखिए डायग्राम से समझते हैं तब समझ में आएगा कि ये देखिए यहाँ पर पेन है और ये ऊपर में क्या है यहाँ पर जायगोट है, ठीक है, माइक्रोपाइलेंट पर जायगोट प्रेजेंट होता है हमने देखा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि फ्री न्यूक्लियर डिविजन के बाद यहाँ पर देखिए मेनली क्या हुआ कि एक जो पेन है वो देखिए फ्री न्यूक्लियर डिविजन हुआ मतलब यह जो न्यूक्लियस है इसका यह इसमें फ्री न्यूक्लियस डिविजन हुआ मतलब इसका न्यूक्लियस जो है, ठीक है, काफी सारे माइटोटिक डिविजन के बाद यहाँ पर देखिए क्या हुआ यहाँ पे खूब सारे आपके न्यूक्लियस बन गए, ठीक है, ओके। यहाँ पर तो कुछ अभी भी नहीं होगा, ठीक है, हमको केवल एंडोस्पर्म को समझना, ठीक है, उसको हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इस जायगोट में क्या होता है और ये कैसे एम्ब्रियो तक, ठीक है, एम्ब्रियो तक कैसे डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, अभी हम केवल पेन पे फोकस करें, ठीक है। तो ये जायगोट और लास्ट में एम्ब्रियो बस लेगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका डेवलपमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ओके। तो पेन से देखिए फ्री न्यूक्लियर डिविजन हुआ जिससे काफी सारे यहाँ पे सेल्स बने, ओनली न्यूक्लियर डिविजन हुआ है, ठीक है, तो मतलब ये सेल एक ही है लेकिन इसमें न्यूक्लियस काफी सारे हैं यहाँ पर, ठीक। अब क्या हुआ यहाँ पर देखिए न्यूक्लियाई लिखा है ना न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियस एक ही चीज है। अब देखिए कि जो न्यूक्लियस है यह क्या हुए इसके पेरिफेरी में, ठीक है, इसके पेरिफेरी में या इसके परिधि में देखिए अरेंज हो गया और बीच में क्या हुआ एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, एक रिक्तिका बन गई, वैक्यूल बन गया बीच में और यह जो सेल्स हैं वो पेरिफेरी में इसके, ठीक है, अरेंज हो गए। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या लिखा है देखिए कि सेल वॉल फॉर्मेशन टेक प्लेस फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द एम्ब्रियो सैक टुवर्ड द सेंट्रल। अब देखिए क्या कि यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट एंड फर्दर डिविजन तो अभी तक साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ यहाँ पर, ओके, अब इसमें साइटोकाइनेसिस होगा यहाँ पर और साइटोकाइनेसिस जब होगा तो देखिए पेरिफेरी में जो न्यूक्लियस है ना यहाँ पर इनमें क्या हो गया कुछ इस डायरेक्शन से होगा, मतलब क्या कि आपका पेरिफेरी से, ठीक है, आपका पेरिफेरी से सेंटर की ओर होगा, ठीक है, पेरिफेरी से यहाँ पर सेंटर की ओर वॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, देखिए इसलिए कुछ यहाँ पर एरो के निशान कुछ इस डायरेक्शन में बना हुआ है, ठीक है, इसको आपको समझना है।
ठीक है। तो यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, मतलब स्टार्ट में जो हम देखें कि यहाँ पर क्या था, न्यूक्लियर था, वह अब कैसा हो गया, सेलुलर हो गया, ठीक है। और लास्ट में जो कंडीशन है यहाँ पर, मतलब ये सेल वॉल फॉर्मेशन के बाद या साइटोकाइनेसिस के बाद कुछ इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। ओके क्लियर है, ठीक है, ठीक है। और इस टाइप का देखिए जो वॉल का फॉर्मेशन होता है पेरीफेरी से सेंट्रल की ओर, उसको हम क्या कहते हैं कि सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन कहते हैं। ओके तो यह ठीक है, सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन। अब देखिए क्या कि एक और चीज नोट करने वाली है, ठीक है, ये आपका एम्ब्रियो सेल था ना, ये लिखा देखिए एम्ब्रियो सेल, कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज पार्शली सेलुलर एंड पार्शली न्यूक्लियर। अब देखिए क्या यह कह रहा है कि जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वह पार्शली क्या होता है, सेलुलर होता है, ठीक है, और पार्शली क्या होता है आपका, न्यूक्लियर होता है, ठीक है, एंड पार्शली क्या होता है, सेलुलर होता है। अब इसको कैसे समझे, तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं कौन कौन है इसके एग्जाम्पल, तो थ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का जो एग्जाम्पल है वह है आपका देखिए जैसे कॉटन हो गया, ठीक है, आपके कॉटन हो गए, ठीक है, आपका क्या कैप्सिला बर्सा पास्टोरिस टिपिकल एंजियोस्पर्म, ठीक है, वो भी आपका इसी में आ जाएगा, इसी का एग्जांपल है आपका, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक मिसी टाइप का होता है, तो कैप्सिला हो गया, कॉटन हो गया, एंड अनदर वन इज कोकोनट। अब देखिए कि कोकोनट में जो एंडोस्पर्म होता है वो मेनली टू टाइप का होता है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका लिक्विड एंडोस्पर्म, एंड दूसरा क्या हो गया आपका सॉलिड एंडोस्पर्म, ठीक है। अब देखिए क्या कि जो व्हाइट कर्नेल होता है, ठीक है, कर्नेल जो होता है व्हाइट कर्नेल, या उसका हम कहें जो व्हाइट वाला भाग होता है किसमें, एक कोकोनट में, वह क्या होता है इज द सेलुलर एंडोस्पर्म, मतलब कोकोनट में, ठीक है, सॉलिड एंडोस्पर्म भी होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म भी होता है, ठीक है, तो जो व्हाइट कर्नेल है वह क्या है उसके सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है, एंड जो दूसरा लिक्विड एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या है उसका जो लिक्विड होता है, ठीक है, सॉरी जो लिक्विड एंडोस्पर्म है वह क्या है, सॉरी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, मतलब जो लिक्विड है वह क्या है, फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, एंड उसका जो सॉलिड वाला कर्नेल है, ठीक है, या जिसको हम ग्रीन भी कहते हैं, तो यह क्या है, या व्हाइट वाला पार्ट वह सेलुलर एंडोस्पर्म है, मतलब जो नारियल में जो हम खाते हैं ना वह मेनली एंडोस्पर्म ही होता है, ठीक है, अब हम तो पी भी जाते हैं उसके नारियल पानी को, ठीक है, और उसको खा भी जाते हैं, मतलब हम दोनों एंडोस्पर्म को उसमें खाते हैं, ठीक है, वो एंडोस्पर्म है, हमको याद रखना है। ओके चलिए, अब जो दूसरे टाइप का एंडोस्पर्म है वह है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है, जो दूसरे टाइप का एंडोस्पर्म है वह क्या है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। चलिए इसको भी समझते हैं, यहां तक बात क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए सेलुलर एंडोस्पर्म 25% ऑफ प्लांट, मतलब यहाँ पर कि 25% ऑफ जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनमें सेलुलर एंडोस्पर्म पाया जाता है, ठीक है। द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ द पेन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन। अब देखिए क्या कि इसमें कह रहा है कि जो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन है उसमें क्या होगा कि इमीडिएटली फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन, मतलब यहां पर हमने देखा था कि फर्स्ट एंड फर्दर डिवीजन नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, बट यहां पर फर्स्ट एंड फर्दर डिवीजन आर फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब देखिए यहां पर होगा क्या कि देखिए कंडीशन वही है, एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, आपका एम्ब्रियो सैक है, पेन है एंड जाइगोट है, ठीक है, यहीं से हम समझेंगे, हम इसके डेवलपमेंट को समझ रहे हैं यहां पर, ठीक है, पेन के। तो यहां पर क्या होगा कि देखिए यहां पर क्या होगा, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी डिवीजन होता है, ठीक है, तो माइटोटिक डिवीजन में मेनली क्या होता है कि जब डिवीजन होता है ना, तो डिवीजन में देखिए जैसे ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और ये इसका क्या है न्यूक्लियस, ठीक है, जैसे ये एक सेल हो गया और ये इसका क्या है न्यूक्लियस, तो जब डिवीजन होके जब यहाँ पर दो सेल जब बनते हैं ना, तो दो सेल बनने से पहले ऐसा एकदम से दो सेल नहीं बन जाता, होता क्या है सबसे पहले आपको समझना है। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि यह जो सेल है ना इसका जो न्यूक्लियस है सबसे पहले डिवाइड करता है, ठीक है, और न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद ही क्या होता है, फिर बाद में इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तब दो सेल यहाँ पर बनते हैं, ठीक है, मतलब क्या कि डिवीजन में हमेशा कैरियोकाइनेसिस पहले होता है, साइटोकाइनेसिस बाद में होता है आपका, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए कि होगा क्या कि सबसे पहले आपका न्यूक्लियस डिवीजन होगा, ठीक है, यहाँ पर तो न्यूक्लियस डिवीजन बस हो रहा था, साइटोकाइनेसिस या साइटोप्लाज्म डिवीजन वॉल फॉर्मेशन तो बाद में हो रहा था, यहाँ पर दोनों साथ में होंगे, मतलब ये नहीं है कि एक ही साथ हो जाएंगे, पहले आपका न्यूक्लियस डिवीजन होगा,
ठीक है, दो न्यूक्लियस बनेंगे। इसके बाद देखिए कि जब साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है, मतलब जब साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा तब ये अभी तक देखिए एक ही सेल है, जब साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा ना तो यह वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये देखिए कि देखिए अब ये इसको हम दो सेल कंडीशन बोलेंगे ना, टू सेल कंडीशन बोलेंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोप्लाज्म डिवीजन साथ साथ में होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन हमेशा डिवीजन में पहले होगा, साइटोप्लाज्म बाद में ही होता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर से क्या हुआ कि न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोप्लाज्म डिवीजन हुआ, तो इसमें से क्या होगा, ये दो चेंज हो जाएगा, ठीक है, और ये भी न्यूक्लियस फिर से डिवीजन होगा, दो और सेल बन जाएंगे, तो यहाँ पर फोर सेल कंडीशन हो जाएगी, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें फिर से वही डिवीजन होगा, ठीक है, बार बार ऐसे डिवीजन होता रहेगा, और देखिए 4 से फिर 8 फिर 8 से 16 और ऐसा फिर डिवीजन चलते रहता है, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर कंप्लीटली सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए कि सेल 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 है, कंप्लीटली सेल है, ठीक है, तो कंप्लीटली यहाँ पे सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है, इसलिए इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम क्या कहते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। पर लिखा भी है देखिए, द सब्सिक्वेंट डिवीजन आर फॉलोड बाई रेगुलर सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें रेगुलर सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, ठीक है, साथ ही साथ दोनों होता है, इसमें ऐसा कुछ है जिसमें लास्ट में साइटोप्लाज्म डिवीजन हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग में केवल कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, क्लियर है। अब देखिए कि इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं, तो यहाँ पर मेनली एग्जांपल्स आपका धतूरा, ठीक है, एडोक्सा, ठीक है, तो धतूरा एंड एडोक्सा किसके एग्जाम्पल हो गए, तो ये एग्जाम्पल हो गए आपके मेनली सेलुलर एंडोस्पर्म की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने, चलिए इसको आप फटाफट नोट करिए, फिर हम जो थर्ड टाइप का है, ठीक है, हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म या इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म, इस पर हम आप, ठीक है, डिस्कस करते हैं। चलिए नोट करिए फटाफट। तो स्टूडेंट चलिए हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ओके, और जो थर्ड टाइप का यहाँ पर एंडोस्पर्म है, ठीक है, हेलोबियल एंडोस्पर्म या इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म, इसको अब हम समझते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या कि 70% ऑफ प्लांट्स, मतलब क्या कि 70% ऑफ एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें इस टाइप का एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे वेलिशनेरिया वगैरह, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है वेलिशनेरिया वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चलिए कि द डिवीजन ऑफ पेन इज फॉलोड बाई वॉल फॉर्मेशन एंड एज अ रिजल्ट टू चैम्बर्स एमसी एंड सीसी आर फॉर्म। मतलब क्या, देखिए एमसी मतलब क्या है यहाँ पर, माइक्रोपाइलर चैम्बर, ठीक है, एंड सीसी मतलब क्या है यहाँ पे, चलाजल चैम्बर। मतलब क्या, देखिए कि यहाँ पर क्या होगा कि जो पेन है, ठीक है, इस पेन में डिवीजन जब होगा, ठीक है, तो डिवीजन जो होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा कि यह जो डिवीजन है वह क्या होगा, सेलुलर टाइप का हो रहा है, ठीक है, यह जो डिवीजन हो रहा है वह किस टाइप का हो रहा है, सेलुलर टाइप का हो रहा है, ठीक है, ठीक, सेलुलर टाइप का डिवीजन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, सेलुलर टाइप का डिवीजन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। मतलब क्या कि यहाँ पर देखिए यह जो पेन है, ठीक है, यह जो पेन है इसमें न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, जैसे हमने सेलुलर डिवीजन में भी देखा था ना कि न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था, ठीक है, और उसके जस्ट बाद साइटोप्लाज्म डिवीजन भी हो रहा था, तो कुछ इस टाइप की कंडीशन वहां पर बन रही थी, देखिए, ठीक है, पीछे देंगे आप, पीछे आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है, तो सेम यहीं पर हो रहा था, ठीक, इसी टाइप का हो रहा था। तो पेन जो है यह डिवाइड होकर यहाँ पर मेनली क्या करता है, टू टाइप के सेल का फॉर्मेशन करता है। लेकिन आपको एक चीज साफ साफ दिख रही होगी कि सेलुलर में क्या हो रहा था, वहां पर जो दो सेल जो बन रहे थे, ठीक है, डिवाइड होने के बाद वो सेम थे, मतलब उनका जो आकार था वो सेम था, जबकि यहाँ पर क्या है, एक जो सेल है वो छोटा बना है और दूसरा क्या बना है, देखिए उससे लार्ज बना, ठीक है, उससे बड़ा बना है, ठीक है। जनरली द चलाजल सेल डज नॉट डिवाइड फर्दर, ठीक है। अब देखिए क्या कि जो इसमें चलाजल सेल है, मतलब ये वाला, ये क्या बोल रहा है कि यह फर्दर डिवाइड नहीं होता, ठीक है, एंड फंक्शन एज हॉस्टोरियम। अब देखिए क्या कि यहाँ पर क्या होता है कि पेन डिवाइड हुआ, पेन में क्या है, सेलुलर टाइप का डिवीजन हुआ, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन भी हुआ और साइटोप्लाज्म डिवीजन भी हुआ, जैसे सेलुलर डिवीजन हो रहा था, मतलब सेलुलर में दोनों साथ साथ ही हो रहा था ना, तो उस टाइप का जो डिवीजन यहाँ पर हुआ और यहाँ पर एमसी और मेनली सीसी बना, ठीक है, माइक्रोबायल चैम्बर और चलाजल चैम्बर बना। यहाँ पर जो चलाजल चैम्बर बना है उसमें क्या है, फर्दर यहाँ पे डिवीजन नहीं होता, मतलब ये एज अ होस्टोरियम काम करता है। अब देखिए एज अ होस्टोरियम मतलब क्या कि ये क्या करता है,
बाहर से फूड वगैरह को सक करता है, ठीक है, सक करके अंदर लाता है और उसको फूड को स्टोर करता है, ठीक है, होस्टोरियम की तरह काम करता है आपका जल चैम्बर, और ये बाहर से फूड वगैरह को सक करके अंदर लेके आता है, ठीक है, और उसको स्टोर करता है उस फूड को, ठीक है, फूड मटेरियल को। क्लियर है? अब देखिए क्या यहाँ पर एक चीज आपको जानना है कि हेलोबियल देखिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तक जो डिवीजन था वह क्या है, सेलुलर था। अब यहाँ पर जो डिवीजन होगा ना इधर, वह क्या होगा आपका फ्री न्यूक्लियर, ठीक है, जैसे यहां पर हमने देखा था ना फर्स्ट, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर टाइप का यहाँ पर डिवीजन होगा, ठीक है, या फिर हम कहें कि ये सेलुलर टाइप का हुआ और यहाँ पर फ्यू न्यूक्लियर टाइप का होगा। तो होगा क्या कि जो एमसी वाला या जो माइक्रोबाइल चैम्बर वाला जो पार्ट है, ठीक है, यह क्या होगा, इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा और कुछ इस टाइप की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब जो ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है ना, इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में हमने देखा था ना कि जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ था तो कुछ इस टाइप की कंडीशन देखने को मिली थी वहां पर, तो यही कंडीशन होगा और हमको यहाँ पर काफी सारे न्यूक्लियाई इस टाइप से देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पर काफी सारे न्यूक्लियाई देखने को मिले। अब देखिए कि हेलोबियल में सेलुलर और फ्री न्यूक्लियर दोनों टाइप का डिवीजन हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट टाइप का डिवीजन कहते हैं, ओके और इसका जो एग्जांपल है वह क्या है, यह आपका वैली शनेरियम होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने एंडोस्पर्म, ठीक है, को और इसके टाइप्स को काफी अच्छे से समझने की कोशिश किया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे, ओके, चलिए, थैंक यू।